Hello dear students, welcome to the class today. So children, you know we are carrying on with the second chapter, the third chapter, I'm sorry, the third chapter in political science. And what are we carrying forward? What are we studying? We are talking about the working of the state government, how the state government is working. In the last class, we have seen the map of Himachal Pradesh and Himachal Pradesh, because it's a very big state. So the whole state is divided into small constituencies. Different constituencies are there. These constituencies are making Himachal Pradesh because it's a big constituency. So when the elections are held, the whole of the state is divided into small parts. From each constituency, there is one person who is contesting there. One person from many parties are there. Har ek party apne candidate ko khada karti election mein, and then some of the members gain the election, some members lose the election. The members who win the election, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा, the members who win the elections, ठीक है, they form majority. मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट कल हम लोगों ने समझ लिया. इट वॉज नॉट माइनॉरिटी, एक्चुअली मेजॉरिटी, एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट. द पार्टी विच हैज वन द इलेक्शंस, दे फॉर्म द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं ये, एंड दैट इज हाउ दे कैरी फॉरवर्ड विद देयर वर्क. उसी तरह से अपना काम चलाते हैं. And the people who have lost the elections, they sit in the opposition. Jo the people who have formed the government, jo government jinhone banaya hai, they are the people who look after the complete functioning of the government. Functions sare carry forward karte hain, and opposition keeps a check on that. अब मैं आपको पहले वाली कहानी बताऊंगी, द स्टोरी वेयर द टू गर्ल्स वेर गोइंग, और एमएलए के घर के बाहर जिंदाबाद एंड मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे. वो चीज हमको बताती है दैट द पीपल आर वेरी मच अवेयर ऑफ द हैपनिंग्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी. पतालपुरम में सो मेनी पीपल वेर डाइंग बिकॉज ऑफ डायरिया. तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एमएलए, द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, टू टेक केयर ऑफ ऑल दैट. ही हैज टू बी वेरी श्योर, ही हैज टू टेक केयर दैट सारे लोग हेल्दी रहे. इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके, इलेक्शंस में उनको विन करके, ही हैज बिकम एन एमएलए. खाली बैठ के एंजॉय करने के लिए एमएलए नहीं बने हैं ना. There are certain responsibilities that he needs to carry forward. There are certain duties that he needs to do. और अगर अपनी duties को सही तरीके से नहीं करेंगे तो the people will not accept him as the leader. उसको as a leader लोग accept करेंगे ही नहीं. That is the major thing that is being pointed out here. So the political party that has majority is called the ruling party. इसको हम bracket में यहां लिख रहे हैं. They are the ruling party and they form the government. The party jinhone ki which has not got majority, is opposition. जैसे कि हिमाचल प्रदेश में द इलेक्शन रिजल्ट्स वेयर देयर, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से, प्लीज अंडरस्टैंड एमएलए आदमी कैसे बनता है, द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. एक चीज यहां पे जरूर समझो, लेजिस्लेटिव असेंबली इज ओनली इन द स्टेट. हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली होता है. गॉट इट? And every state which has got, every state जहां पे भी legislative assembly है,
द पीपल कैरी ऑन देयर वर्क इन अ वेरी स्मूथ मैनर, काफी आराम आराम से अपना काम चलाते हैं, काम करते हैं, एंड दे आर द वंस हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर. यहाँ पे कितना था, जब हम हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट डिस्कस करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में देयर आर 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज वेयर देयर एंड बीजेपी आई मीन वन 44 सीट्स, 44 सीट्स बीजेपी के पास आ गई, भारतीय जनता पार्टी के पास आ गई. तो इसी से आप ये समझो कि कितना इनके पास पावर होगा, कितना ज्यादा लोगों ने इनको सपोर्ट किया होगा. एंड द अनदर पार्टी वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस, आई एम जस्ट राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म INC, दे वन 21 सीट्स. तो क्या हो गया, 68 के लिए द सीट्स रिक्वायर्ड आर 34 सीट्स वेर रिक्वायर्ड, जिसमें से कि बीजेपी हैज ऑलरेडी 144 सीट्स, सो दे आर इन मेजॉरिटी, उन्होंने गवर्नमेंट बना ली. दिस इज हाउ द सिस्टम. इसके बाद इलेक्शंस हो गए, 44 मेंबर्स आर देयर, देन ये जब विन कर लेते हैं ना, पहले तो दे हैव टू विन, when they have got the majority out or they have to win 34 seats, but they have got 44 seats. Now among these 44 candidates jo ki election win kiye hain, who have won the elections, theek hai, they will be choosing the chief minister. ठीक है, दे विल चूज द चीफ मिनिस्टर. गॉट इट, दैट इज हाउ द चीफ मिनिस्टर्स आर इलेक्टेड. जैसे कि हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, इट इज योगी आदित्यनाथ. सो व्हेन बीजेपी वन द सीट्स, व्हेन बीजेपी वन द मेजॉरिटी, द पीपल यूनानिमसली, सबने मिलके योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया. दे हैव मेड हिम द चीफ मिनिस्टर, आपस में डिसाइड करते हैं. इसके बाद बीजेपी एमएलएज ने क्या किया, दे चूज श्री जयराम ठाकुर एज देयर लीडर एंड ना 2017 में. सो द एमएलएज चूज जयराम ठाकुर एज देयर लीडर, ठीक है, जयराम ठाकुर को इन्होंने अपना लीडर बना लिया. एंड जिसको लीडर बनाते हैं, ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश. गॉट इट, ऑफ स्मॉल फॉर्म में लिख रही हूं HP. यहां पे दीज आर द इलेक्शंस ऑफ, ये सारा रीसेंट है, 2017, अभी 2021 चल रहा है. सो चार साल पुरानी बात है. सो इट इज समथिंग वेरी न्यू, जहां पे वी आर अंडरस्टैंडिंग हाउ द सिस्टम हैज बीन फंक्शनिंग इन हिमाचल प्रदेश. ओके, इलेक्शंस के बाद क्या होता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो गए, अब बाकी के मिनिस्टर्स भी तो चाहिए. हाउ विल द चीफ मिनिस्टर फंक्शन, एमएलए इलेक्ट हो गए, एमएलए बनने के बाद चीफ मिनिस्टर भी बन गए, तो आफ्टर इलेक्शंस क्या होता है, द नेक्स्ट प्रोसेस इज देयर, गवर्नर क्या करते हैं, खाली ओथ टेकिंग सेरेमनी करवाते हैं. द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, डिसीजन गवर्नर नहीं लेते हैं, गवर्नर का काम है खाली अपॉइंट करना. द गवर्नर अपॉइंट्स
चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स. बाकी के मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करने का काम क्या होता है? गवर्नर का होता है. दिस इज वॉट वी नीड टू. अब यही चीज हमको यहां पे समझनी है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो व्हेन वी आर गेटिंग दिस लाइक दिस, इसी तरह से जब हम समझ रहे हैं, तो अब आप समझिए कि स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग कैसे हो रही है. अब चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो गए. चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होने के बाद क्या करना है? आराम से बैठ के आराम करना है? नो. द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज. रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स have the responsibility of running government. ठीक है, running government offices or ministries. आखिर पूरे state का काम कैसे चलेगा? How will the state function? How will the state work? That's the responsibility. उसके लिए उनको elect करके chief minister बनाया गया है. It's not that they can sit back and enjoy. It's not for that purpose. And इनके क्या होता है? They have separate offices, अलग अलग. Defence है, they have the finance is there, railway is there. Every person who has won the election, 44 लोग जीते थे ना हिमाचल प्रदेश में, देयर वेर 44 मेंबर्स हु हैव वन. सो दीज 44 मेंबर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर द कंप्लीट फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट प्रॉपरली. किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए स्टेट में, इसलिए लोगों ने उनको इलेक्ट किया है. सो दे हैव सेपरेट ऑफिसेस, दे हैव सेपरेट ऑफिसेस. They are working in that manner that किसी को भी अगर परेशानी होती है, they can easily approach to the government. Nobody in the system should face any big problems. That is the responsibility of these MLAs. And अगर ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो they are answerable to the people. आम आदमी के लिए इनकी जवाबदेही बन जाती है. Got it? That is there. अब क्या हुआ? लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस जहां पे एमएलएस, वेदर दे आर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द ऑपोजिशन, मीट टू डिस्कस. अब लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या काम होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस, कोई तो जगह होगी ना जहां पे कि बैठ के सारी सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, आगे के सारे प्लान्स बनाएंगे. सो इट इज द प्लेस वेयर ऑल द एमएलएस, वेयर ऑल द एमएलएस, वेदर फ्रॉम रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी. ऑपोजिशन के भी रिमेंबर, इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज लॉस्ट द इलेक्शंस, लेकिन उनके 21 मेंबर्स थे जो कि जीते थे. दे हैव वन द इलेक्शंस, द कंप्लीट. देयर वर अदर पीपल आल्सो, बाकी के भी थे. कम्युनिस्ट पार्टी का भी एक मेंबर थे. द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वेयर आल्सो देयर, दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी थे. तो दिस इज हाउ द सिस्टम हैज टू फंक्शन, वेदर द फ्रॉम रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी. ठीक है, चाहे रूलिंग पार्टी के हो चाहे ऑपोजिशन पार्टी के हो, दे मीट टू डिस्कस थिंग्स. लोगों की परेशानी को हल करने के लिए उनको ये कुर्सी दी गई है. तो उस परेशानी को हल करने के लिए अलग अलग तरीके से इनको विचार करना है, अलग अलग तरीके से सारी बातें इनको करनी है.
फॉर दैट पर्पस पीपल हैव इलेक्टेड देम। नाउ क्या होता है, कुछ एमएलएस होते हैं हु हैव गॉट टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एमएलए हैं, जीत गए हैं तो खाली घर में बैठ के एंजॉय करने के लिए नहीं, बहुत काम होता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल स्टेट इज देयर, पूरे राज्य की जिम्मेदारी होती है इन लोगों के ऊपर, तो दे कैन नॉट बैक आउट। सम वंस वंस वन एज एन एमएलए एंड अदर एज एन एज अ मिनिस्टर। एमएलएज हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूअल, ठीक है, दो तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक तो वन एज एन एमएलए एंड अदर एज मिनिस्टर। यही एमएलए ही तो मिनिस्टर बन रहे हैं, तो दे हैव टू सी बोथ द वर्क। एमएलए वाला काम भी इनको इफेक्टिवली करना है एंड मिनिस्टर वाला काम भी करना है, तो दे कैनॉट से कि क्या काम इनको किस तरह का काम करना है किस तरह का नहीं करना है, दैट दे हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट इट। दे नो दैट इट इज देयर जॉब टू लुक आफ्टर द पीपल एंड देयर रिक्वायरमेंट्स। कोई भी किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या हो रहा है, डिबेट इज देयर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये तो हो गए एमएलए कैसे इलेक्ट हुए, क्या काम है, ये हमने डिस्कस कर लिया। नाउ व्हाट वी नीड टू डिस्कस इज अ डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली। गॉट इट? ये बैठ के बहुत सारी बहस करते हैं, ये बैठ के बहुत सारे प्रोग्राम को चॉकआउट करते हैं एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट। आफरीन एंड सुजाता, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो जो दो लड़कियां थी, रिमेम्बर व्हेन वी हैड स्टार्टेड द चैप्टर वी हैव सीन दीज टू गर्ल्स। सो आफरीन एंड सुजाता एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्कूल ट्रेवल टू द स्टेट कैपिटल। आफरीन एंड सुजाता एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स ट्रैवल, अब इनको ट्रैवल टू स्टेट के कैपिटल में ले जाया गया, ट्रैवल टू द स्टेट कैपिटल टू विजिट द लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट कैपिटल टू विजिट लेजिस्लेटिव असेंबली। गॉट इट? लेजिस्लेटिव असेंबली इन हिंदी इट इज कॉल्ड एज विधानसभा। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इट इज कॉल्ड एज विधानसभा। वहां पे बच्चों को ले जाया गया टू सी द फंक्शनिंग की यहाँ पे आखिर क्या होने वाला है। चिल्ड्रन वे आर एक्साइटेड, देयर वॉज लॉट ऑफ सिक्योरिटी चेक, आप यू आर गोइंग टू अ गवर्नमेंट बिल्डिंग, सिक्योरिटी चेक इज देयर, तो बच्चों का विजिट ऑर्गेनाइज किया जाता है जहां पे कि दे कैन गो एंड विजिट, देखें कि आखिर लेजिस्लेटिव में असेंबली में काम क्या हो रहा है। The MLAs who are elected, what is the work that they are doing? ठीक है, वहां पे जब वो गए, when they had gone there, what did they see? क्या देखा उन्होंने? Got it? अब जो देखा है वो मैं आपको बुक में से दिखाऊंगी। I will show it to you from the book itself. When these students have gone to a visit to the Legislative Assembly, what was their experience? Let's see it in the book itself. Come children. So students, this is what I wanted to show you. Just see Afrin and Sujata and many other students are there who are traveling to the state capital. They are traveling to the state capital to visit the Legislative Assembly, which is there in a very impressive building. Now, Legislative Assembly, Vidhan Sabha, jahan pe ki all the meetings happen, ऑफ द एम एल एज इलेक्शंस के बाद जो मीटिंग्स होती हैं एम एल एज की, दैट इज इन दिस बिल्डिंग। बच्चे बहुत खुश थे। लेजिस्लेटिव असेंबली कभी हम टूर के हम गए नहीं हैं,
वी हैव नेवर बीन बट जैसे पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, अरेंजमेंट्स आर मेड सो दैट द स्टूडेंट्स कैन सी एंड अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द असेंबली कि आखिर सारे लोग बैठ के वहाँ पे क्या बातें करते हैं, क्या डिस्कशंस करते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स. तो एक बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग में लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज देयर. बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे. सिक्योरिटी चेक हुआ. चिल्ड्रन वेंट इनसाइड. इसके बाद दे वेंट अपस्टेयर्स एंड अपस्टेयर्स जाने के बाद देयर वॉज अ बिग हॉल. बहुत बड़ा सा हॉल है एंड दे कुड सी द लार्ज हॉल बिलो जहाँ पे MLAs बैठ के सारे डिस्कशंस कर रहे थे. देयर वेर यू नो देयर इज़ रो एंड रो ऑफ डेस्क. द डेस्क दैट आर देयर, दीज डेस्क आर मेंट फॉर द पीपल हु हैव वन इन द इलेक्शंस एंड देन हु हैव गॉन हु आर सिटिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. आप क्या है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली में देर वॉज अ डिबेट टू हैपन. देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स फॉर विच द असेंबली वॉज टू हैव अ डिबेट. इस समय क्या हुआ, द MLAs एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस. दे जस्ट टॉक अबाउट एवरीथिंग एंड दे आस्क क्वेश्चंस. ठीक है, आप क्योंकि आखिर प्रॉब्लम है, स्टेट की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा. They are expressing their opinion, they are asking questions and they are giving suggestions. Ki government ko kya karna chahiye, what should the government do? This is a big issue. When the government has been formed, when the people have elected the government, after that there has to be some ways and means through which the government has to function properly. If the government is not functioning properly, there is the opposition. This is the right of the opposition to ask questions. Oppositions are also representing the people. आम आदमी को ही represent कर रहे हैं opposition. तो उनका पूरा हक बनता है कि वो assembly से questions पूछ पाएं कि क्या करना है government को. Those who wish to can respond to this. जो चाहते हैं वो इसमें response दे सकते हैं. Ministers जो हैं उसके बाद they reply to the questions. Ministers, those who are there, सभी सवालों का जवाब देते हैं and they try to assure the assembly कि adequate steps are being taken. Because ministers are responsible for all the health issues that are there. Patalpuram में so many people are dying. There is water crisis. How this problem can be solved? So the people who want, they can respond to this. Ministers are there, they are replying to their questions, they are trying to assure the assembly ki adequate steps are being taken. Sahi tarike se sari cheeze ki ja rahi. Ab chief minister is there, the chief minister is there, the other ministers are there, they have to take decisions and they have to run the government. गवर्नमेंट अगर चलाना है तो बाकी सारे मिनिस्टर्स के साथ मिलकर चीफ मिनिस्टर हैज टू डू अ प्रॉपर जॉब. एंड चीफ मिनिस्टर इज नॉट अलोन, अ होल लॉट ऑफ मिनिस्टर्स आर देयर टू असिस्ट हिम. तो न्यूज चैनल्स में मोस्ट ऑफ द टाइम वी फाइंड अबाउट देम इन द न्यूज चैनल्स और इन द पेपर्स. ऑल ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम द न्यूज ऑफ दीज द मिनिस्टर्स कम इन द न्यूज पेपर्स. लेकिन whatever decision jo bhi assembly mein, legislative assembly mein the decision that is taken, it has to be approved by the members of legislative assembly. Legislative assembly ke members ko in sare decisions ko approve karna hai, they have to accept. Got it? Lekin these members can ask questions, especially the opposition party will ask questions. Ye an important issue. And they decide where money should be spent, पैसे कहाँ पे spend करने हैं, and they have the main. Got it? अब just see how the questions are being asked. MLA 1 is asking the question in any constituency, किसी भी constituency, like in my constituency of Akhand Gaon. अब MLA 1 जो है, just see how
दे आर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को किस तरह से डिस्कस किया जाता है इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे बच्चे। सो ही सेइंग कि अखंड गांव नाम का जो मेरा विलेज है, इन माई विलेज लास्ट 3 वीक से 15 पीपल हैव डाइड। 15 लोग मर गए हैं बिकॉज ऑफ वॉट, बिकॉज ऑफ डायरिया। ठीक है, डायरिया इज अ प्रॉब्लम जिसमें कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है एंड द पीपल डाई। तो ही सेइंग आई थिंक इट इज़ अ शेम, बहुत शर्म की बात है दैट दिस गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू चेक द सिचुएशन ऑफ अ सिंपल प्रॉब्लम लाइक डायरिया। उनका ये कहना है डायरिया जैसी सिंपल प्रॉब्लम को जो गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर रही है, ठीक है, वाइल प्रोक्लेमिंग इट सेल्फ से कि आप यू आर टेक्नोलॉजिकली वेरी हाई, यू हैव इंट्रोड्यूस्ड सो मेनी थिंग्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, व्हेन द गवर्नमेंट इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रॉब्लम, जब पानी का ही अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वॉट इज द बेनिफिट ऑफ सच अ गवर्नमेंट। गॉट इट? कि द हेल्थ इशू इज द बिगेस्ट इशू। अगर इफ द पीपल आर नॉट हेल्दी इन द गांव, इन द सिटी, इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, देन वॉट इज द गवर्नमेंट डूइंग? ओके, सो ही सेइंग कि मिनिस्टर शुड सी इन टू दिस। आई वुड लाइक टू कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर कि ही इज चार्ज ऑफ द हेल्थ टू टेक इमीडिएट मेजर्स टू कंट्रोल दिस सिचुएशन। मीन्स द सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ ऑर्डर एंड ही वॉन्ट्स दैट द असेंबली शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल दिस सिचुएशन। ये जो सारा मामला बाहर निकलता, हाथ से बाहर जा रहा है, इस सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब जस्ट सी MLA 2। ओके, इज व्हाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच अ बैड सिचुएशन। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की सिचुएशन इतनी बैड क्यों है एंड व्हाई द गवर्नमेंट इज प्रॉपर डॉक्टर्स। प्रॉपर डॉक्टर्स को अपॉइंट करना ज़रूरी है एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट। मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो नीड टू बी अपॉइंटेड एंड कैसे, हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशन को कैसे डील करना है। नाउ MLA 2 इज सेइंग कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पीपल आर गोइंग बट दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो गवर्नमेंट इज नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, आखिर गवर्नमेंट कर क्या रही है? सो ये द सिचुएशन इज सो बैड, वॉट इज द गवर्नमेंट थिंकिंग एंड हाउ विल द गवर्नमेंट फॉर सॉल्व दिस प्रॉब्लम? नाउ वॉट हैपन्स विच इज अफेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बिकॉज पीपल डाइंग ऑफ डायरिया। डायरिया द मेन कॉज चिल्ड्रेन, द डायरिया का जो मेन कॉज होता है, द रूट कॉज इज द डर्टी वाटर। So they are trying to point out, all the MLAs are questioning the ruling party that why a simple problem like diarrhea is also unable to be solved. So this is an epidemic, it is spreading and this is an epidemic. मतलब epidemic जो ऐसी बीमारी जो जल्दी से जल्दी लोगों के बीच में फैल जाती है, more and more people get engrossed because of this or get affected because of this. MLA 3 is saying, my constituency of Tolpatti has a serious shortage of water. अब वो कह रहे हैं कि मेरी जो constituency है, where we are living, वहाँ पे पानी की बहुत shortage हो गई है. And imagine, just see how they are highlighting. जो opposition party होती है ना, they always highlight the problems so that the ruling party should think कि oh God, अब ये problem कैसे solve करें. रूलिंग पार्टी इज ऑलवेज अंडर प्रेशर। रूलिंग पार्टी के ऊपर हमेशा दबाव बना के रखते हैं एंड दैट इज द जॉब ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग वेयर देयर इज सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं दैट द कंडीशन इज नॉट ओनली सिंपल, इट इज वेरी ग्रेव। 3 से 4 किलोमीटर जाना पड़ता पानी कलेक्ट करने के लिए। आप सोचिए कंडीशन कितनी खराब है, हाउ बैड इज द सिचुएशन, हाउ मेनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर, वाटर सप्लाई के लिए कितने टैंकर्स प्रोवाइड किए गए हैं, हाउ मेनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड, कितने पॉन्ड्स को
एंड वेल्स को क्लीन किया गया है. पानी कहाँ से आता है? द पीपल दे टेक द वाटर फ्रॉम दीज वेल्स एंड दीज पॉन्ड्स. अब MLA 1, 2 and 3 आर फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी हु आर पुटिंग एलिगेशंस ऑन द रूलिंग पार्टी. अब रूलिंग पार्टी का क्या जवाब होगा? इल्ज़ाम तो लग गए, लेकिन उस इल्ज़ाम का कुछ जवाब भी देंगे ये? येस, दिस वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो. टिल देन चिल्ड्रेन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू.